ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज कई दिनों बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मैं व्यस्त था, आश्रम में सेवा लगी हुई थी। और आज मैं जा रहा हूँ उत्तरकाशी में, एक मंदिर है नागनी ठान। यहाँ उत्तरकाशी से 10-15 किलोमीटर दूर है और फिर ट्रैकिंग भी है 3 घंटे की, और काफ़ी अच्छी जगह बताते हैं। मैं तो कभी गया नहीं हूँ, देखता हूँ पहली बार जा करके कैसा लगता है वहाँ पर। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। उत्तरकाशी से 19 किलोमीटर आने पर यहाँ संकूड़ा धार है और ये श्रीनगर का रास्ता है। यहाँ से श्रीनगर जाते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए उत्तरकाशी से, और इसी रास्ते पे संकूर्णा धार है। और यहीं से ही अभी 4 किलोमीटर की दूरी पर सामने वाली पहाड़ पर नागनी माता जी का मंदिर है। तो अभी और भी लोग आ रहे हैं, फिर हम चलेंगे वहाँ पर। अभी हम संकूड़ा धार पे हैं और हमारे साथ में सत्तू जी, और इनको तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने नारायण, इन्होंने पूरा भागवत कार्यक्रम करवाया था वहाँ पे, मेन सेवादारी यही थे। तो पहले भी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो अब ये बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जाएंगे और कितना घंटे लगेगा और कैसे उत्तरकाशी से यहाँ तक पहुँचते, सब बताएंगे। ओम नमो नारायण। सभी भक्तजनों को तो सबसे पहले सादर प्रणाम है। आज हम संकूर्ण धार पे हैं, नागनी ठान के लिए जा रहे हैं। तो आगे थोड़ा सा आगे चल के यहाँ से अप्रोक्स 5 से 6 किलोमीटर का पगडंडी है, खड़ी चढ़ाई है, और ऊपर ठांग में मतलब नागनी ठांग जा रहे हैं। मतलब ये बक्सारी वालों का गांव का पुस्तैनी मंदिर है। तो हमारे मटुड़ा जी हैं, जैसे कि आप जानते हो खंजरानंद महाराज जी, जिनका नाम खंजरानंद महाराज जी भी है, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया है। इनके जो पूर्वज थे होंगे जो भी, उन्होंने निर्माण किया। तो आज वहाँ की यात्रा का वो है मतलब। तो आइए देखिए आगे आगे। और जैसे जैसे कोई मान लो उत्तरकाशी से ये जगह देखने आना हो तो कैसे आएगा अपना? उत्तरकाशी से जैसे अपना पर्सनल व्हीकल है तो संकूणा धार करके आओ। संकूणा धार से ये एक रास्ता निकलता है जंगल के बीच का, अभी आपको रास्ता दिखा देंगे आगे आगे। और अपना ये रास्ते में सीधा उसके लिए फिर रास्ता बना हुआ, फिर बीच में छाने पड़ती है, बहुत सुंदर देखने लायक। जो उत्तरकाशी से श्रीनगर जाने वाला रास्ता, श्रीनगर वाला चौरंगी खाल वाला रास्ते पे है मतलब प्रभु ये। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। अंदर मत जा, अंदर गिर जाएगा। पानी बहुत जरूरी है, बिना इसके नहीं चलता काम। महाराज की जय। इंद्रानंद जी चलो। नहीं, अभी लगभग 40 से 45 मिनट की चढ़ाई कर चुके हैं और मैं पहली बार जा रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। 2:30 बजे निकले थे, अब देखते हैं शाम तक कितने बजे तक तो पहुँचते हैं। और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ की। अभी हम ये मैदान वाले एरिया में आए हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, फिर भी अभी काफ़ी दूर जाना है। सामने वो जो पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर जाना है, वहाँ पर है मंदिर। और ये अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, देखिए यहाँ से खूबसूरत व्यू है हिमालय के। ये व्यास जी यहाँ पे लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, अब ठंड शुरू हो गई है। हाँ, व्यास जी हैं और भगत जी भी लगे हुए हैं लकड़ी इकट्ठी। और अभी यहाँ पर हम पहले भोजन करेंगे फिर चलेंगे यहाँ से। अभी कितना पहुँचे? अभी उधर उधर देखो, उधर देखो। तो लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं रुक करके, माता जी बना करके ले आई हैं भोजन। सामने ये देखिए, ये ग्लेशियर दिख रहा है यहाँ से, बर्फ़ की चोटियाँ हैं और ख़ूबसूरत स्थान है यह। हम अभी 2.5-3 घंटे की चढ़ाई चढ़ चुके हैं और एक घने जंगलों से जा रहे हैं, और अभी भी रास्ता काफ़ी दूर है और दुर्गम रास्ता है, दुर्गम। सारे आसपास इसी जंगल में जानवर रहते हैं और ये दुर्गम रास्ता भी तो शायद दिखाई नहीं दे रहा है, रात हो गया है। अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। पूरी तो रात में यहीं पर रुके हम, और अभी हम सुबह जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि मुझे ऋषिकेश भी जाना है
और मैं अभी आपको यहाँ का दर्शन करवाता हूँ मंदिर का। पहले मैं दिखाता हूँ कहाँ पे मैं रात में सोया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे मैं रात में सोया हुआ था। अभी ये बन ही रहा है पूरा, यहाँ पे इन्होंने चूल्हा बनाया हुआ है। और फिर अंदर जाने पर अभी ये काम चल रहा है लकड़ी का पूरा ऊपर। और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे रूम बनाए हैं और इसी बेंच पे हम रात में सोए हुए थे। हम देखेंगे छोटा सा ऐसे लकड़ी का रूम बना रहे हैं और यहाँ पर भी एक छोटा रूम है और आगे रसोई है। यहीं पे ही रात में मैं सोया था। ये कब से मिलता है? कहते मिलते मिलते लाते नहीं संबंध नहीं, ढाई फीट दर भी गिरता है। अच्छा, ढाई फीट भी? दो महीना, ढाई महीना जनवरी जनवरी लास्ट टू मार्च 15 तारीख के बंद होते थे। ये महाराज जी यहीं पे रहते हैं, इनका एक चूल्हा जल रहा है और इसके अंदर रहते हैं महाराज जी। छोटी सी कुटिया है और यहाँ पर एक कुटिया है और ये अभी माता जी का मंदिर अभी बन रहा है। पहले पुराना मंदिर था, अभी ये नया मंदिर बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी एक कुटिया है। ये चारों तरफ आप देखेंगे पूरी बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ये महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। लास्ट पैनल इकड़ा मैं ज्यादा नहीं गाँव के गेम से यहाँ पे पक्षी देखेंगे। पहली बार ऐसा मैं पक्षी देख रहा हूँ यहाँ पर। रात को 9 बजे 10 बजे ये पहली बार ऐसे पक्षी दिखाई दे रहा है। पता नहीं कौन सा पक्षी है। देखिए अभी मंदिर बन रहा है, मैं आपको माँ के दर्शन कराता हूँ। ज्यादा है मरी बंदर केंद्र है, चोरी की भी है। ये नागड़ी माता है। चोरी वाला है। जय माँ जय माँ तो ठीक है। जय माँ जय माँ माँ नागड़ी माता के जी के दर्शन कर लीजिए। महाशक्ति माँ नागड़ी माता, हे माँ हे माँ हे माँ, कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो माँ। यहाँ पर पानी के लिए ये बारिश का ही पूरा पानी यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। और इस साइड में ये टंकी बनी हुई है और चारों तरफ आप देखेंगे पूरा ग्लेशियर, चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ़ की चोटियां हैं, चारों तरफ एक ग्लेशियर है। ये खूबसूरत आप सूर्योदय का दृश्य देख सकते हैं। वाह वाह वाह, एकदम आनंददायक आनंददायक आनंददायक, चारों तरफ आनंददायक वातावरण है। सारे 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 यहाँ से पहाड़ आसपास के दिखाई दे रहे हैं। यह ऊर्जा का केंद्र है, एक माता का शक्ति का एक ऊर्जा का केंद्र है। और आगे भी कभी समय मिलेगा मौका मिलेगा माँ का कृपा होगा तो हम ज़रूर यहाँ पर आएंगे। 2-3 दिन यहाँ पर रुकेंगे और अनुभव करेंगे उस ऊर्जा का। खूबसूरत सूर्योदय, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़। ये है एंट्री गेट और यहाँ पर भी छोटा मंदिर है और ऊपर नागड़ी माता जी का मंदिर। अभी हम नीचे गेस्ट हाउस में जा रहे हैं जहाँ पर रुके हुए हैं लोग। ये देखे कितनी नीचे गहरी खाई है और कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर हेलीपैड भी है और गेस्ट हाउस भी है। और चारों तरफ का व्यू देखिए, और रात का यहाँ का जो व्यू था वो बहुत ही अद्भुत था। मतलब नीचे के साइड में चारों तरफ लाइटें जल रही थी और ऊपर के साइड में सितारे चमक रहे थे। एकदम एकदम बड़ा ही दिव्य अनुभव था, बहुत दिव्य अनुभव था। तो कभी भी आप लोगों को मौका मिले तो एक बार ज़रूर आइए, ये ज़रूर आइए। ये एकदम शक्ति का केंद्र है ये दिव्य स्थान। थोड़ा आने में कठिनाई ज़रूर है,
थोड़ा ट्रैकिंग है 5 घंटे की, लेकिन आने के बाद में आपको लगेगा कि कहीं पर एकदम दिव्य जगह पर आए हुए हैं। ये देखिए नीचे इतना बड़ा गेस्ट हाउस बना है। अब ये देखिए कितना दिव्य स्थान। हरिओम, कैसा लगा? ये है गेस्ट हाउस, यहाँ लोग सोए हुए हैं। राधे राधे, राधे राधे, हरिओम हरिओम महाराज जी। हाँ, आप कैंसिल, यहाँ रसोई है, यहाँ पे 4, 1, 2, 3, 4 कमरे। चलो ना वो प्रकाश भाई, हिमालय में ऐसी बहुत सारी ही दिव्य जगहें हैं जहाँ एक बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र रहता है। और वैसे भी आप देखेंगे जो शिखर रहता है हिमालय का, जो उसका ऊपरी भाग रहता है, वो वैसे ही ऊर्जा को खींचता है। तो ये जो है सबसे टॉप पे है यहाँ पर। यहाँ की ट्रैकिंग भी थोड़ा हार्ड है, लेकिन एक बार आने के बाद में ऐसा लगेगा कि हम एक दिव्य लोक में आ गए हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं, देखेंगे कितनी गहरी खाइयाँ हैं यहाँ पर। और हम रात में आए थे, ये देखिए कितनी खड़ी ढलान है, और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए कितनी खड़ी ढलान। और ये घास भी ऐसा है कि इसमें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी स्थान भी नहीं देखिए ऐसा है, ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं तुरंत अगर पैर फिसल जाए तो जो है कि बहुत ही परेशानी वाली है, और बहुत सावधानी से इस पर चलना पड़ता है। और पूरा घना जंगल, और ये इस जंगल में तो बाघ भालू शेर सब कुछ रहते हैं। हिरन तो अभी कई बार दिखा, यहाँ पर सारे जानवर रहते हैं यहाँ पर। हम नीचे मंदिर से उतर चुके हैं जहाँ पर कल हमने भोजन किया था मैदान में, और 1.5 घंटा लगा नीचे उतरने में। और यहाँ से भी अभी लगता है मुझे 40-50 मिनट और लगेगा नीचे उतरने में। तो चढ़ाई में तो थोड़ी दिक्कत है, बाकी उतरने में ठीक है, आसानी से उतर जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं अपने जोगड़ गांव आश्रम में, और सुबह वहाँ से निकले थे हम 6:40 पे, और हम अभी पहुँचे हैं 9:47 पे आश्रम में। तो वही लगभग 3 घंटे लगा, और जो है कि यहाँ से जाने में चढ़ाई उसमें 5 घंटे लग जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही आध्यात्मिक जगह थी, ऊर्जा वाली जगह थी। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।